क्या होता है ना, आज की तारीख में फेसबुक, व्हाट्सएप और ये तमाम चीजें जो है ना, सोशल मीडिया जो है, सर यूट्यूब, देखो किसी भी चीज को यदि आप एक्सेस में कर रहे हो तो वो बुरा ही है, ठीक है। पढ़ाई को छोड़ के, पढ़ाई आप जितनी चाहिए ज्यादा कर लो, कोई बुराई, कभी कोई बुरा नहीं होगा। पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी ज्यादा करोगे तो सब बुराई बुरा होगा। तो ये सब चला प्रोग्राम, तो भैया ये प्रोग्राम का मेरे ऊपर क्या असर हुआ, उस दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उस दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। और इवन दो मैंने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस अपडेट किया, इट्स संडे टाइम टू रिज्यूविनेट, बिल्कुल वही। और फिर बाद में शाम को इवनिंग के टाइम पे मैंने आत्मविश्लेषण किया। आत्मविश्लेषण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोलते होंगे, सेल्फ एनालिसिस बोल लो, वो किया कि आज मैंने दिन भर में क्या किया। तो मैंने पाया कि मैंने दिन भर में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। उस दिन मैंने दिन भर में हार्डली, मतलब मान लो 10 मिनट पढ़ाई करी होगी, 10-15 मिनट, वो भी मेरा पता नहीं मन ही नहीं किया, बाद में वो छोड़ ही दिया मैंने, नहीं कर पाया पढ़ाई। तो हालांकि एक और रीजन था, उस दिन मेरे को वैक्सीन लगी थी, तो मेरा बॉडी भी पूरा पेन कर रहा था, दर्द कर रहा था, तो इसलिए मैं पढ़ाई तो वैसे भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी दैट मेक्स अ डिफरेंस। कर रहा हूं कि आप लोगों को भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखना। आप किसके लिए फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? सर कोई तो है जो हमें देखेगा, यही मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। इन सब चीजों से दूर रहो बेटा। देखो एक साल है ना, ये एक साल आप हमें दे दो, ये एक साल आप हमें दे दो कमांडोज, ये एक साल हमें दे दो, ये एक साल हमें दे दो, और जी जान लगा के मेहनत कर दो। अगले साल जब आप व्हाइट कोट पहन के और स्टेथोस्कोप लगा के जब फोटो डालेगा ना, उसे देखने में लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा। अभी जो आप डाल रहे हो ना सन कवर के, ये मेरे रंगीन तिरंगे वाले बाल, ये आधे बाल लाल हो रहे हैं, आधे पीले हो रहे हैं, और ये मैंने फोटो अपडेट किया। डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डजंट मेक एनी सेंस, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, ये सेंसलेस बात है। लड़कियां कह रही होंगी सर तो लड़कों के पीछे हाथ धोके पड़े, बेटा मैं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं, ये मैंने लाल पीली हरी नीली लिपस्टिक लगा ली, अच्छा लिपस्टिक नहीं, ये क्या लगाते इस पे, हाँ नेल पॉलिश लगा ली, ये मैंने लिपस्टिक लगा ली, और ये मैंने आंखों में सुरमा भर के, ये अच्छा सा प्यारा सा ऊ आ ऊ आ ऊ करके ऐसे फोटो खींच लिया, फोटो नहीं सेल्फी खींची और अपडेट कर लिया, और हाउ एम आई लुकिंग नाउ? नहीं करना है बेटा, एक साल तक कंट्रोल योर इमोशंस, पूरे इमोशंस पर कंट्रोल रखो, बस एक साल मेहनत, साल की यदि आपने मेहनत कर ली ना, उसके बाद जब पता है व्हाइट कोट की खासियत क्या है, इस व्हाइट कोट की खासियत है कि ये आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है, एक बार पहन के वो फीलिंग तो देखो। और ये फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप एक साल कठिन परिश्रम करेंगे, बिना रुके लगातार अनवरत, जब ये प्रयास आपका जारी रहेगा तो उसके बाद जो सफलता मिलेगी ना, उस सफलता से सारा आसमान चमकेगा, सारा जहां चमकेगा आपके लिए, हर कोई आपसे मिलने के लिए बेताब रहेगा। अभी आप फेसबुक की सेलिब्रिटी बनके क्या करोगे, कोई मतलब नहीं बेटा, वो सब फेक है, सब दुनिया फेक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन करना है, और अभी आपको क्या चाहिए, इन सब फंदों से दूर रहना है, सादा विचार, सादा जीवन, उच्च विचार, इस पर फोकस करना। और इसी के साथ में उच्च विचार तो है ही है, बट मैक्सिमम आपको ध्यान देना है किस पर, पढ़ाई पर। मैक्सिमम आपको ध्यान किस पर देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, और अपने लक्ष्य को हासिल करना है।